मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आपकी क्या रीडिंग है, क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की कार्ड से देखूंगी मैं। तो सबसे पहले बता दूं, टाइमलेस बना रही हूं मैं इस रीडिंग को, जनरल रीडिंग है। राशि मैं आपको बता दूंगी कि क्या एनर्जीज है इस टाइम पर आपके पर्सन की, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनर्जीज क्या आ रही है मेरे पास आना शुरू हो गई, मैं इस कार्ड्स को यहाँ रखूँ जरा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन तभी मिलता है जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं जो देख रही हूँ, जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपके पर्सन जो आपसे दूर है इस टाइम पर, जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा दूरियाँ होने की वजह से, मे बी क्योंकि नो कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट हो सकता है आपका। कि एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर यही कह रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी आपकी, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो सकता है इस पॉइंट पर आपका यहाँ पर, एंड ब्लॉक कम्युनिकेशन हो सकता है कि आपने कॉल की भी हो इनको या मैसेज किया हो इनको, क्योंकि एनर्जीज आ रही है ऐसी कि कॉन्टैक्ट आपने करने की कोशिश की होगी आपके पर्सन से, लेकिन इन्होंने शायद आपको आंसर नहीं दिया होगा। एनर्जीज मुझे यहाँ पर कह रही है जिसकी वजह से पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दोनों का दिखाई दे रहा है, आपका और उनका। लेकिन एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन की ब्लॉक होने के बाद भी एंड कॉल या मैसेज रिसीव ना करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। मतलब एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा अपसेट हैं आपके बिना, जैसे कि होता है ना कि मनी मन हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर हम किसी को बहुत ज़्यादा मनी मन याद कर रहे हैं, लेकिन हम उसको शो नहीं होने दे रहे हैं, हम उसको बोल नहीं रहे हैं कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ, या फिर वापस आ जाओ, या फिर जो भी एनर्जीज आ रही है। तो मैं यहाँ पर और डिफाइन करती हूँ, पूरी पर्टिकुलर एनर्जीज देती हूँ। तो यहाँ पर उदासियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, ब्लॉक कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, याद आपकी आ रही है, और कुछ एक एनर्जीज मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रही है, जैसे कि पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में, वो डिफाइन करने की ज़रूरत है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, ठीक है, और आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन आज हुआ है। एनर्जीज और क्या है, सारी चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर जो सबसे पहला दिख रहा है कि नो कॉन्टेक्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कॉन्टेक्ट नहीं है, ब्लॉक करा है इन्होंने या फिर आपने इनको मैसेज किए हैं 50। वाओ, देख रहे हैं आप एनर्जीज कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पर्सन की आपके लिए इस टाइम पर। फीलिंग्स जो है वो लव हो रही है, यानी कि जो भी है ये, जिनके लिए भी आप इस टाइम पर रीडिंग देख रहे हैं डियर गाइस, ये कहीं ना कहीं आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, और वो फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा ट्रू भी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि फीलिंग्स, अगर किसी के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं मे बी, तो डिपेंड करता है कि वो फीलिंग्स कितनी हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे पास आई है दिस कार्ड, आप देख रहे होंगे इस कार्ड को, तो वो एनर्जीज तो यहाँ पर यही कह रही है कि फीलिंग्स ट्रू है एंड लविंग फीलिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपसे, लेकिन नो कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर। लव बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, केयर भी बहुत है, एंड कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जैसे कि होता है ना कि हम किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और चाहते हैं कि पर्टिकुलर यही इंसान जो है वो मेरे पास रहे, यही एक पर्सन जो है वो मेरी ज़िंदगी में रहे। तो उनकी फीलिंग्स जो आपके पर्सन की इस टाइम पर मैं देख रही हूँ ना, काफ़ी लविंग सी फीलिंग्स हैं, काफ़ी प्यार मोहब्बत की एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको, आपका कोई फ़ोटो अचानक से उनके सामने आ गया, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, या फिर अचानक से कोई फ़ोटो आ गया होगा, या फिर अचानक से कोई पास्ट की मेमोरी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर अचानक से उनके सामने आ गई हो, आपकी कोई बात ऐसी आपकी आ गई हो उनके सामने, ऐसी एनर्जीज मिल रही है जिसको ये जिसकी वजह से ना इनका पूरा जो फोकस है माइंड का इस टाइम पर आपकी तरफ चला गया है आपके पर्सन का। यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो मुझे अभी की एनर्जीज मिल रही है, मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे समझ लीजिए
कि आज ऐसा हुआ है उनके साथ। अब आपको अगर रात में मिल रही है ये रीडिंग तो समझ लीजिए कि आज डे में ऐसा हुआ है, और अगर डे में मिल रही है तो डे मतलब आफ्टर एक बिफोर सॉरी आफ्टर नहीं बिफोर एक दिन पहले या बिफोर एक कुछ घंटे पहले, 4-5 घंटे पहले उनके साथ ऐसा हुआ है कि सडनली जो है कुछ आपकी फोटोज है या फिर कोई पास्ट की मेमोरीज है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ उनके सामने आ गई है, आपके पर्सन के सामने आपकी, जो उनको बहुत तेज़ी से आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका काफ़ी दिनों से जो है वो नो कांटेक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड बहुत दिन हो गए हैं जो आपने शायद बैठकर बात नहीं की है या फिर कॉल पर मैसेज के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू बहुत दिन हो गए हैं जो आपने ढंग से बात नहीं की है, ढंग से आपने एक दूसरे से बोले नहीं हो, या फिर ऐसी भी एनर्जीज हो सकती है कि आपने एक छत के नीचे रहने के बाद भी आप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अनजान हो गए हो, या फिर एक दूसरे के लिए समय नहीं, या फिर आपके पर्सन आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर आपको इग्नोर कर रहे होंगे, ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर लेकिन सडनली जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि वो कॉन्टैक्ट आपका नहीं है और कुछ एनर्जीज आ रही है, ब्लॉक आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि एक अगर छत के नीचे भी रह रहे हो आप लोग, तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन या फिर किसी कोई गलत फहमी आप दोनों के बीच में किसी की वजह से हो गई है, या फिर पर्टिकुलर कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में हो गई है, या फिर कोई तीसरा इंसान, कोई ही शी है, या फिर जो भी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर जो एनर्जीज है वो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जैसे कि कुछ पास्ट की मेमोरीज आपके पर्सन के सामने फ्लैश में आई हैं दिमाग में उनके एकदम से, एंड बहुत ज़्यादा मिस करने की एनर्जीज आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड पूरी तरीके से आपके साथ रीयूनियन भी चाह रहे हैं एंड आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही है। अगर आप जैसे बहुत दिन हो गए हैं, आपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है कि भाई आपके पर्सन जो है वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, दूर जाने के बाद भी उनको बार 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 आपका ख्याल आ जाता है। मतलब यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, आप लोग काफ़ी दिनों हो गए हैं डिस्टेंस में हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है आपका उनके साथ, और ये भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से एक दूसरे के डिस्टेंस में हो, आप एक दूसरे से बात नहीं की हो, वो कहीं और रहते हो, आप कहीं और रहते हो, ऐसी एनर्जीज हो आप दोनों के बीच में। लेकिन पर्टिकुलर जो भी चीज़ हुई हो ना, इस टाइम पर जिस टाइम पर करंट एनर्जीज मुझे मिल रही, जिस समय पर आप रीडिंग देख रहे हो, उस टाइम या उस दिन या उस डे में या उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ है जो आपके पर्सन को ना आपके बारे में फोकस उसके उनके माइंड में हुआ है, और ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मिस कर सकते हैं, आपकी कुछ बातें पुरानी हैं वो उनको याद आ रही हैं रह रह कर ना। तो यहाँ पर लविंग एनर्जीज आ रही है, मतलब एनर्जीज अगर आप पूछो कि है कैसी, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा प्यार भरी एनर्जीज है, जैसे कि किसी पे बहुत ज़्यादा प्यार आ जाना, या फिर हम किसी को बहुत ज़्यादा पहले पास्ट पसंद करते हो, अचानक से सामने वो इंसान आ जाए तो हमें पूरी बातें ना याद आ जाती हैं कि भाई ये होता था, ये ऐसे करते थे हम, वैसे करते थे हम, तो वो सारी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आप देख रहे हो, तो वो इस एनर्जीज से मतलब इस एनर्जीज ने पूरी तरीके से फोकस, उनका कॉन्सेंट्रेशन है ना जो आपके पर्सन का, पूरा इस एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इस एनर्जीज में जाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि भाई आप जो हैं वो कहाँ चले गए हो इतनी दूर इनसे, और ये क्या हुआ जो आपका और इनका रिश्ता जो है वो टूट गया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कुछ बहुत ज़्यादा पास्ट में, अभी मैं डिफाइन करती हूँ कार्ड से, कि पर्टिकुलर कुछ ऐसी बात या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। तो यहाँ पर मैं और कार्ड्स लेती हूँ और मैं एनर्जीज देखूँगी आपके पर्सन की एंड थर्ड पर्सन की भी, पूरी तरीके से एनर्जीज मैं यहाँ पर देखती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जीज आ रही है, मैं और कार्ड्स लेती हूँ, ओके। सो यहाँ पर जो जो एनर्जीज आ रही है मैं लेती जा रही हूँ गाइस, ठीक है। एंड ओनली वन मोर कार्ड, ओके।
ये कार्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ एंड ये वाली एनर्जीज को मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। देखिए मैं राशि आपको बता देती हूँ, आप राशियाँ देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा डियर गाइस। एक्वेरियस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, एंड टॉरस अगर है किसी की पर्सन या एरीज तो हो सकते हैं। एंड राशि मैं आपको बता देती हूँ, अगर राशि से एनर्जीज नहीं मिलती है तो आप कार्ड से भी स्थिति का पता लगा सकते हैं कि अगर एनर्जीज आपके साथ या फिर रेजोनेट हो रही है या फिर पास्ट की किसी सिचुएशन से आपको मिल रही है, मैच हो रही है ये रीडिंग, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है इस रीडिंग से, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर कनेक्शन का नाम लिया तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो भी रीडिंग्स आप देख रहे हैं इसमें मुझे पास्ट की एनर्जीज मिल रही है, जैसे कि पास्ट का कनेक्शन कोई है आपके पर्सन के साथ। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, पास्ट के कनेक्शन में अगर किसी साथ हमारा पास्ट का कनेक्शन होता है या फिर हमारा पिछले जन्म का कुछ ऐसा एनर्जीज होती है तो वो इंसान हमें अपना अपना सा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन उस इंसान के बिना या उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति के बिना हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम उससे बात करते हैं ऐसा लगता है जैसे कि हम उससे बहुत ज़्यादा मतलब हमारा फ्रेंडली है, बहुत उससे कनेक्शन फील होता है, उसके बिना लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो मैं आपकी भी सिचुएशन यहाँ पर देख लेती हूँ कि आपकी सिचुएशन इस टाइम पर क्या है और बाकी की सारी एनर्जीज मैं बताती हूँ। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नो कॉल ओनली मैसेज प्लीज़। तो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो वेट की एनर्जीज आ रही है, वेटिंग की एनर्जीज आ रही है मेरे पास, वो यहाँ पर ये कह रही है कि देखिए अगर आप अपने पर्सन से मूव ऑन हो गए हैं या फिर मूव ऑन होना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई अब हमारा रिश्ता जो है, या क्योंकि यहाँ पर देखिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखा रहा है। अब जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखता है इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं आपका और उनका जो रिलेशन है वो किसी बात को लेकर अटका हुआ है, मतलब आप लोगों में कनेक्शन नहीं है, अलग बात नहीं हो रही है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज के हिसाब से हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, ठीक है। लेकिन पास्ट का कनेक्शन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, जैसे अगर आप ये सोच रहे कि मूव ऑन कर ले हम, क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा है कि फ्यूचर नहीं है, अब ये नहीं आएंगे क्योंकि नो कॉन्टेक्ट है, तो हो सकता है काफ़ी लोग सोच रहे हो कि भाई अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज आई है कि वेट वाली, तो अगर आप मूव ऑन करने की स्थिति में या मूव ऑन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अभी आप मूव ऑन ना करें अपने पर्सन से, क्योंकि हालांकि है जनरल रीडिंग पर्सनली मैं बिल्कुल एक चीज एक्यूरेट जान सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी डियर गर्ल्स कि आप मूव ऑन ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है वो रिटर्निंग एनर्जीज दिखा रही है आपके पर्सन की, कि मतलब रिटर्न करेंगे आपके पर्सन जो है ना वो कम बैक होंगे। हाँ, सिचुएशन बहुत ज़्यादा इस टाइम पर, हालात जो हैं आपके रिश्ते के वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। वो ख़राब कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं आप लोगों की, कुछ लोगों की, ठीक है, कुछ लोगों की यहाँ लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों में प्यार बहुत ज़्यादा है, मतलब एनर्जीज आ रही है फ्रेंडलीनेस वाली, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ट्रू है, बहुत ज़्यादा उनके दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन फैमिली शायद जो है वो नहीं राजी हो रही है, फैमिली की वजह से आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, फैमिली की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं आपसे और रिश्ता भी रखना चाहते हैं आपसे। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो ऑफकोर्स मैरिज चाहते हैं वो, जो भी हैं, जो भी पर्सन है मैरिज चाहते हैं, लव रिलेशनशिप या साथ चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा बाउंड हो गए हैं, जो थर्ड पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है वो थोड़ा थर्ड पर्सन जो है वो नहीं चाहता है कि आपका जो पर्सन है उसकी लाइफ से जाए। तो देखिए अगर थर्ड पर्सन जानता है आपके रिश्ते को तो भी, और कुछ लोगों में हो सकता है कि ना जानते हो, लेकिन वो कंट्रोल करना तो जानते ही है ना। अगर वो नहीं जानते हैं कि आपका उनका रिलेशन है, बाय चांस की बात है थर्ड पर्सन, तो वो अपने पर्सन को कंट्रोल करना तो जानते ही है ना। वो नहीं चाहते हैं कि वो जो भी पर्सन है वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हों या फिर ज़्यादा अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चले, या फिर क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन है वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा करता है और अपने हिसाब से चीज़ों को करवाता है, लेकिन यहाँ पर अगर फैमिली है तो फैमिली तो नहीं चाहती है बिल्कुल, और फैमिली ही जो है वो दूर कर रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैमिली में कोई लेडी पर्सन भी हो सकती है जो ज़्यादातर चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हो। एक चीज़ और भी बता दूँ, यहाँ पर एक नहीं मुझे वन टू
मुझे यहाँ पर 2 से 3 थर्ड पार्टी दिखाई दे रही हैं। मतलब अब ये भी हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल हो आपका, और फ्रेंड सर्कल में कुछ आपस में फ्रेंड्स वगैरह हैं जो इन्होंने मिसगाइड कर दिया है, या फिर उनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्योंकि देखो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि जैसे कि आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, या फिर आप फ्रेंड्स हैं, आपने अपनी फ्रेंड्स को बताया, आपकी फ्रेंड्स आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी, आप सोच रहे हो मेरी फ्रेंड्स है ऐसा नहीं करेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज आ रही कि फ्रेंड सर्कल का मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्रेंड सर्कल भी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फैमिली है तो फैमिली में भी 2 से 3 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेशन को तोड़वाना चाह रहे हैं, या फिर पर्सन को आपसे दूर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, लेकिन कुछ लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो आपसे बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में है, लेकिन वो आपको सहयोग नहीं कर पा रहे, वो आपको रिलेशन नहीं रख पा रहे, क्योंकि कुछ बाउंड्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, कुछ बर्डन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से, या फिर कुछ में करियर को लेकर भी है, ये भी बता दूं मैं, कुछ में करियर को लेकर भी है कि करियर पहले हम अपने करियर को बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक चीज़ यहाँ ये भी दिखाई दे रही है कि ये जो एनर्जीज है ये आपसे लव तो बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन अचानक से चेंजेस इसमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप सोचिएगा कि इंसान जिनकी मैं दिखा रही हूँ उस टाइम पर एनर्जीज, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ लविंग एनर्जीज में है। मतलब एक प्यार होता है किसी से हमें, तो वो हम पूरी तरीके से कहते हैं, तो ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी इनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत लविंग है, लेकिन अचानक से इनमें चेंजेस आए हैं। जो भी चेंजेस आप लोगों ने आज तक फेस किए हैं, या फिर जो भी आप लोगों के बीच में, जैसे कि मैं देख रही हूँ सबसे पहले कार्ड्स में नो कम्युनिकेशन आ गया था, ब्लॉक कॉन्टैक्ट आ गया था कि भाई कम्युनिकेशन तो है ही नहीं, बात तो हो ही नहीं रही है। तो जो भी एनर्जीज है मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप लोगों में दूरियां आ गई हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई। अच्छा, आपने अपने पर्सन को बोला भी इस चीज़ के लिए और कितना समझाया, मैं तो यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि आप रोए तक हो अपने पर्सन के आगे, क्योंकि एनर्जीज आपकी ऐसी आ रही है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन कार्ड जो है वो ये कह रहे हैं कि आप रोए हो अपने पर्सन के आगे, अपने हाथ तक जोड़े जो मैं दिख रही हूँ प्लीज़, है ना। क्योंकि कमेंट्स करके जरूर बता दिया करिए कि जो मुझे दिख रहा है क्या ऐसा सच में है, क्या ऐसी वाइब्रेशन है, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर बैठ के, भाई मैं फील कर रही हूँ कि आपने हाथ जोड़े, मिन्नतें करी है, आपने इनको बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप सोचो, आप समझो हमारे रिलेशन के बारे में, समझो हमारा रिलेशन है। हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन भी हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैरिड पर्सन भी दिख रहे हैं, ठीक है, मैरिड एनर्जीज भी दिख रही है कि आपका जो पार्टनर है वो बिना आपको आंसर दिए, बिना आपकी फीलिंग्स को समझे, या फिर लव रिलेशनशिप में हो सकते हो आप, ये भी हो सकता है कि आपका लव रिलेशनशिप हो, बिना आपको समझे, बिना आपकी फीलिंग्स को रिस्पॉन्स दिए, आपके हाथ जोड़ने पर, आपकी मन्नतें करने के बाद भी वो इंसान आपको ब्लॉक करके लाइफ में आगे बढ़ गया। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, जिसकी वजह से अब ये जो भी है आपके पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हो, वो इस चीज़ को लेकर खुद भी आज हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और वो अपनी इस गलती पर थोड़ा दुखी भी हो रहे हैं। आपको जैसे कि मैंने फर्स्ट उसमें बताया था स्टार्टिंग में कि आपके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं, वो मैं चीज़ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ना आपको कि आप वेट कर लीजिए, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज आ रही है ना, जस्ट दिस, है ना। तो यहाँ पर मैं क्यों बोल रही हूँ कि वेट कर लीजिए, रियूनियन होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रियूनियन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ। आप शायद इस चीज़ को बहुत से लोग जो है वो मूव ऑन कर भी चुके होंगे, आप लोगों में से भूल चुके होंगे आप उनको, या फिर सोच रहे होंगे कि आप तो फ्यूचर नहीं है तो आप भूल ही जाते हैं, या फिर क्योंकि भूल तो आप सकते नहीं, इतना भी मैं बता दूँ। एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप सोचेंगे ना मन में कि हम भूल जाएंगे, लेकिन भूल नहीं सकते ना, क्योंकि इतनी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो कैसे कोई भूल सकता है। ये फीलिंग्स आ रही है पास्ट की, ये अभी की भी हैं, ये एनर्जीज आ रही है पास्ट की, अभी की, करंट की, तो ये कैसे आप भूल सकते हो किसी को, जब इतना प्यार है, इतनी एनर्जीज कूल है और इतनी लविंग एनर्जीज, थोड़ी ना कैसे भूल सकता है किसी को कोई। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई आप कोशिश करते हैं
तो आप कोशिश कीजिएगा, वो भी चीज़ एक अलग है, अगर आप बोलना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप वेट कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेट की एनर्जीज आ रही है, जैसे कि आपकी पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि भाई मैं अभी आया मत जाओ, वेट करो मैं तो आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं आपके बिना, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं आपसे, एंड आपकी लाइफ में कम बैक होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बहुत दूर आपसे रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो इनका रिलेशन, तो ये काफ़ी लंबा वक्त भी हो गया है कि शायद आपसे ये कहते कहते अब आप देखते देखते थक गए होंगे इनका, ये भी एनर्जीज मिल रही है। लेकिन इस बार की जो एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर, जैसे कि उनको फील हो गया है कि उनको तो आपके पास आना ही आना है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं, और जब से आपकी बात नहीं हो रही ना, काफ़ी दिन हो गए मुझे लग रहा है आप लोग बात नहीं कर रहे ना, तो अपने लाइफ में बिल्कुल अकेलापन आपको याद करना, आइज क्लोज करते हैं तो आप याद आ जाते हो, आपका फेस याद आ जाता है, आपकी फ़ोटोज़ जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी कि फ़ोटोज़ देखते हैं और आपकी कुछ चीज़ें अचानक से उनके सामने आ जाती है, पर्टिकुलर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपको मिस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा आपको देख रहे होंगे, आपकी तरफ नज़र रखे हुए हैं, ये आपकी तरफ फोकस बना के रखे हुए हैं यहाँ पर। तो एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर आज आपके पर्सन की इतनी लविंग आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको, आई होप सो आज की जो एनर्जीज है वो आपसे रेजोनेट हो जाए और आप मुझे बोले कि मैम वो आ चुके हैं, तो मैं फिर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने में। सो गाइज, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।